वो क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक रहा, जो क्षेत्र बचा था तो जनता को नहीं लगे कि हमारे यहाँ नहीं आए, तो उधर भी हम लोग कोई कोना कोई चप्पा छोड़ना नहीं चाहते। और यही बताना है कि देवतुल जनता पिछली बार 7.5 लाख वोट दी, इस बार 10 लाख वोट की उम्मीद है। वही गुहार, वही निवेदन कि एक ऐतिहासिक जीत हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता को जिताएं। हमने सबको उतार दिया है क्योंकि सब मेरे छोटे भाई हैं, सब मोदी जी के लिए आना चाहते हैं। हर विधानसभा में कलाकार इस वक्त चल रहा है, तो कोई चप्पा कोई कोना बचाना रहे, 2 महीने से यही चल रहा है। अब शरीर इतना जल गया है कि अब जलने के लिए कुछ बचा नहीं। महादेव करेंगे, इस बार इतिहास मोदी जी और योगी जी रचेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, और वैसे ही हमारे रवि किशन भैया गोरखपुर में प्रचंड जीत हासिल करके यहाँ गोरखपुर में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में किस तरह से आप जीत मना रहे हैं? आजमगढ़ बड़ी जीत हो रही है, पहले 8,000 से जीते थे, अब 80,000 से जीत रहे हैं वहाँ। आप रवि किशन के दोस्तों में आइए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं गोरखपुर की देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ती हूँ। मैं गोरखपुर की ही बेटी हूँ, तो यहाँ पे सब मेरे चाचा चाची दादा दादी भाई भौजाई हैं। आप सब लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इतनी प्रचंड बहुमत से रवि भैया को जिताएं कि हमको बंबई में रह के भी जो सुरक्षा फील होती है गोरखपुर में, रवि भैया और महाराज जी और मोदी जी की वजह से वो हमेशा महसूस होती रहे। आप गोरखपुर की बेटी हैं तो क्या गोरखपुर में वोट करेंगी आप? क्या क्या गोरखपुर में वोट करेंगी? वोट मैं खजनी में वोट करके आ चुकी हूँ ऑलरेडी। अच्छा। जी तो इस बार कितना ऐतिहासिक जीत रहे हैं रवि किशन जी? बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे भैया, मेरा अनुमान है 5 लाख के आसपास। चलो चलो, आप भी कभी राजनीति में आएंगी? अभी तो एक्टिंग कर रही हूँ, देखते हैं प्रभु ने क्या लिखा है किस्मत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।